हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि गूगल शीट की है, हम आज सीखेंगे डेटा वैलिडेशन का यूज। डेटा वैलिडेशन यानी कि हम एक सर्च बॉक्स बनाएंगे और वो सर्च बॉक्स कुछ ऐसे काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि सर्च बॉक्स तो हमने एक्सेल में भी बनाया था और डेटा वैलिडेशन हमने एक्सेल में भी यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हम जिस रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड ही आएंगे। अब जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है, इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ और हमें चाहिए आर वाले नाम, तो यहाँ पे R जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो देखिए मैंने R प्रेस किया है तो R वाले रिलेटेड रिकॉर्ड जो है हमारे सामने आ गए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर प्रेस करता हूं S तो यहाँ पे S वाले रिकॉर्ड हमारे सामने आ गए। इस तरह का सर्च बॉक्स हमें बनाना है। अगले आ जाते हैं, ठीक है, D प्रेस करूंगा, अगर D वाले रिकॉर्ड है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस तरह का हमें कुछ सर्च बॉक्स बनाना है। अगर U प्रेस करता हूं तो U वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इस तरह का सर्च बॉक्स हम बनाना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं। इस डेटा को मैं उठा लेता हूं, यहीं से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये जो डेटा है हमारा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। और इसको शीट थ्री पे ले जाके रख देता हूं। आप देख सकते हैं ये डेटा शीट थ्री पर आ चुका है। यहां पर एक बॉर्डर हमने बना दिया है, यहीं पर हम अपना सर्च बॉक्स बनाएंगे और सर्च बॉक्स क्या हम डेटा वैलिडेशन की मदद से ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करेंगे। तो दोनों ही चीजें इस वीडियो में होने वाली है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको यह पता चल जाएगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहां पर जो हमने स्पेस रखा है यहीं पर तो हम सर्च बॉक्स बनाने वाले हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक रखिए और डेटा वैलिडेशन पर जाना है, यानी डेटा टैब पर चले जाइए और यहां पर आपको मिल जाता है डेटा वैलिडेशन। एक्सेल में भी ऐसा ही होता है। डेटा वैलिडेशन पर हम आ गए। अब यहां पर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आप क्या चाहते हैं, तो वो रेंज हम यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ना, आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए या आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सेल रेंज है A2 से हमें उठाना है, तो यहां पर हमने लिख लिया A2। ठीक है, ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और शीट नंबर भी डालना जरूरी है। मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको सिलेक्शन में लूंगा तो शीट के साथ ये सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो यहां पर ये A2 से लेकर A18 तक ये आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर शीट यहां पर शो हो रही है, शीट थ्री पर हम हैं और बाकी की चीजें यहां पर शो हो रही है। ठीक है, यहां पर रिजेक्ट इनपुट पर हमें क्लिक कर देना है। ये जो रेडियो बटन दिखाई पड़ रहा है, रिजेक्ट इनपुट, इस पर आप टिक रखिए और अब यहां से कुछ भी आपको नहीं करना, सीधे सेव पर कर देना है क्लिक। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ड्रॉपडाउन बनकर के तैयार हो चुका है। अब ये काम कैसे करेगा वो समझा देता हूं, दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सही से मैं स्क्रॉल भी कर लेता हूं इधर। यहां पर हमारे पास ड्रॉप डाउन आ चुकी है और यहां पर तमाम वो नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो इसी लिस्ट में मौजूद हैं। तो चलिए यहां पर प्रेस करता हूं R। ठीक है, तो R जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देख पाएंगे कि R से रिलेटेड सारे नाम हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए R, A प्रेस करता हूं तो A से रिलेटेड सारे नाम जो है हमें डिस्प्ले होने लगे। ठीक है, अब इस बार मैं प्रेस करता हूं U, U अगर कोई नाम है U से लिखा हुआ इस रेंज में, किस रेंज में, इस रेंज में, यहां पर जो रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है तो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इस जो ये हमारा टेबल जो हमने बनाया इसमें कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि नीचे कोई और भी नाम हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया जहीर, ये लिख दिया और यहां पे आ गए, यहां पे मार्क्स एड कर दिया इनका, जो भी मार्क्स है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। और ऐड करने के बाद फिर नीचे एक और नाम ऐड कर देता हूं मैं, बबलू, एक नाम और ऐड कर दिया बबलू के नाम से। और यहां पर 78 यहाँ पे मार्क्स ऐड कर देता हूँ, 34 जो भी मार्क्स है, कुछ भी यहाँ पे दे दिया हमने। और अब यहां पर भी बॉर्डर बना लेना है तो इस पार्ट को ले लीजिए सिलेक्शन में और यहाँ बॉर्डर ऑल बॉर्डर पे चले जाइए और यहाँ पर इस पे बॉर्डर लगा दीजिए आप। तो ये बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ कलर आपको चेंज करना होगा, जो कलर आपने लिया है सेम वही कलर आप चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया है तो आपको सेम वही स्टाइल चूज करनी है, कलर तो सेम ही है स्टाइल चूज करनी है अलग। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे चले जाइए और स्टाइल यहाँ से अलग चूज कर लीजिए, जो ये बॉर्डर है ये कुछ इस टाइप का बॉर्डर है, तो यहाँ पर आपको रख करके और फिर इस पे क्लिक कर देना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जो नाम हमने ऐड कराया क्या ये भी अब हमें दिखाई पड़ेगा, तो यहां पर देख सकते हैं राज और ये लास्ट नेम क्या था, सुधीर था, तो सुधीर तक तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन इसके नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं आप। इसको भी मैं स्क्रॉल करता हूं तो ये लास्ट तक आ चुका है और सुधीर ही लास्ट नेम है, जहीर और बबलू तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी यहां पर रखना है कर्सर को और वापिस कहां आ जाना है, डेटा वैलिडेशन पर,
और डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन पे आ जाइए और ये रेंज को दोबारा से एक बार कर लीजिए सेलेक्ट। बस आपको ये रेंज एक बार और कर लेनी है सेलेक्ट, ये यहां से हमें चाहिए, तो ये यहां से लेकर के और जहां तक हमने नाम इंक्रीज किया वो भी रेंज। अगर आप चाहते हैं कि नीचे की रेंज भी सेलेक्ट करें तो आप नीचे की रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बाद में चाहे तो वहां पर नाम टाइप कर लीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए और यहां से भी सेव कर दीजिए इसे। अब चेक कर लेते हैं अपने सर्च बॉक्स को कि इसमें किस तरह पूरे नाम आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहीर और बबलू, ये दोनों नाम भी आपको दिखाई पड़ने लगे हैं। तो इस तरह से आप ये सर्च बॉक्स और ये डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं और सर्च बॉक्स इस तरह का बना सकते हैं आप, जिसमें आप रिलेटेड रिकॉर्ड्स को सर्च कर सके। ये तो मैंने नेम के लिए बनाया, आप किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए भी बना सकते हैं और ये तमाम चीजें आप कर सकते हो बहुत ही इजिली। थोड़ा गूगल शीट जो है थोड़ा डिफरेंट है एक्सेल से और बहुत सारे फीचर्स एडवांस कर दिए गए हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।